अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से लोन की कोशिशों के बीच पाकिस्तान में वित्त मंत्री असद उमर समेत कई लोगों को अपना पद गंवाना पड़ा है। इस मसले में कुछ हफ्ते पहले वित्त मंत्री असद उमर के इस्तीफे के बाद स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान और फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के प्रमुखों को भी अपने पद गंवाने पड़े हैं। इमरान सरकार के तारिक बाजवा की जगह IMF में कार्यरत अर्थशास्त्री डॉक्टर रजा बाकीर को स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का नया गवर्नर नियुक्त किया गया है। वहीं जहांजेब खान की जगह मुस्तफा मेमन को फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का अध्यक्ष बनाया गया है। इमरान खान की सरकार ने ये फेरबदल ऐसे समय पर किया है जब अरबों डॉलर के बेलआउट पैकेज को लेकर IMF से बातचीत अंतिम दौर में है। पाकिस्तान गंभीर नकदी संकट से जूझ रहा है जिससे उसकी अर्थव्यवस्था पर खतरा मंडरा रहा है। हाल ही में उसने चीन, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात से कई अरब डॉलर की सहायता मिली है। इस संकट से निपटने के लिए उसने IMF से 8 अरब डॉलर यानी करीब 55,000 करोड़ रुपए की सहायता मांगी है। IMF के साथ किसी समझौते पर नहीं पहुंच पाने के कारण ही उमर को वित्त मंत्री का पद छोड़ने को कहा गया था। इसके बाद अब्दुल हाफिज शेख को वित्तीय सलाहकार बनाया गया था। इसी क्रम में स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान और फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के प्रमुख भी बदल दिए गए। कर्ज को लेकर IMF के साथ होने वाली बातचीत में दोनों की बड़ी भूमिका थी।